वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हुण तुहाडे नौजवानों के दिलों की धड़कन कलाकार बब्बू मान जी बोलणगे। वीरो जिन्ना तुसीं उन्हां नूं प्यार करदे हो उन्हां दा कहना भी मन्निया करो, जिदा वह कहिंदे ने जिस तरह वह कहिंदे ने उन्हां दा कहना मन्निया करो जिन्ना तुसीं प्यार करदे हो। नौजवान वीरों नूं हाथ जोड़ के बेनती है। हुण तुहाडे रूबरू मंच ते होणगे बब्बू मान। सारिआं नूं सत श्री अकाल। बाबा गुरु नानक देव जी के चरणों च मत्था टेकण वाले सारे मेरे वीर, गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो वड्डी इस अंदोलन दे करदिआं करदिआं भाई इधर हो जाओ, इधर ओके। सब तो बड़ी खुशी साढ़े हिस्से आई है जिदे च सब तो वध योगदान ये साढ़े कबड्डी वाले नौजवानों का, ये मंगी ते बाकी साथी, ते उस तो वड्डा योगदान साडा छोटा वीर मनधीर ते गाजी होरां दा है जिन्होंने बैठ के एक सलाह बनाई तो सानू भी शामिल करिया। सो जिहड़ी चिरा तो एक गल आम पिंडा च रड़कती सी कि एका नहीं, वह अज एका हो गया। तो एक नारा बाबा जी के चरणा जपा ये कह के लौड़ा है कि भविख च बच्चे बुढ़े बुजुर्ग नौजवान साडा इको राय है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, असी ये अंदोलन जितना है। और गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा। छोटे छोटे तकरार कई बार सानू एक दूजे तो बहुत दूर कर दें, परमात्मा करे कि साढ़े च तकरार ना हो और असी रल के चलीए। और इस तो भी अगे जाके असी ये सोचना है कि इस अंदोलन नू जे लंबा चलता है तो ये पैसे की बचत किमें करनी है, तो टोलियां बना के असी बारों बारी किमें दिल्ली पहुँचना है। और इस तो भी अगे ये अंदोलन ये तो जितया जिताया है, ये जिहड़ा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर है थोड़ा जिहा राउंडी है ढीठ है हार नहीं मानता। सो गुरु के चरणों च बेनती करते हैं कि छेती छेती गुरु घर आवे मत्था टेके ते अपनी भुल बख्शा के संगत च बैठ के पंगत च बैठ के प्रशादा छके। असी उहदे लई भी दुआ करांगे क्योंकि असी भाई कन्हैया दे भी बच्चे हैं, सानू कोई दुश्मन नहीं लगता। साडी लड़ाई जरूर है पर असी कदे किसे दा माड़ा नहीं सोचते। और अगां भविख च असी कोशिश ये भी करते हैं, उपराला तो इन्हां जथेबंदियां ने भी साडे नाल रल के बहुत किया मनजीत सिंह होरां ने, पर एक बेनती मनजीत सिंह नूं भी करते हैं भी दुआबे वालियां तां कट्ठियां कर लिओ तुसीं छेती छेती, जिहड़ियां दुआबे दीआं जथेबंदियां इन्हां दे एक बनाए दे आपां आउण वाले दिनां च, इक ताड़ी मार दिओ जोर दी क्योंकि जे सत सत दी इक बनाती सत चौका अठाई पहलां चार बन गईआं उपर चार रह गईआं उन्हां दी इक बना के हौली हौली फिर एक ही कर देंगे। सो असी सारिआं दे एके दे वधाई हैं हामी हैं, असी चाहुंदे हैं कि आपस च साडी तकरार ना होवे, समाजिक मीडिया से साडी शैली उही होवे जिस तरह के साडे किरदार है, घटिया पद्धर ते ना उतरीए, अपने आप गाला कढ़णियां बंद करिए। जे लड़ना है तो अपनी लड़ाई नहीं लड़ना, अपने पिंड की लड़ाई लड़नी है, अपने देश की लड़ाई लड़नी है, अपनी कौम की लड़ाई लड़नी है। सो असी उम्मीद करते हैं कि बहुत छेती ये संयुक्त मोर्चा भी अगले धरने तक इको मोर्चा होगा जिदा ना होवे पंजाब किसान मोर्चा। सो महाराज मेहर कर गज के आखो हाँ मनजीत बोलूगा, मनजीत साडा ही है।
सो जी मैं थोनू गल दसनी है, थोनू शायद नहीं पता जिदन का अंदोलन चल रहा है, ये जेडे साडे कबड्डी वाले नौजवान है जिनी सेवा इन्होंने करी है शायद नहीं किसी ने करी, पर नौजवान है जिन्होंने कदे क्रेडिट ही नहीं लिया, तो मैं इन्होंने थोड़े रूबरू जरूर कराऊंगा। मंगी सो अज दे इस महंगे दौर च कोई है जिहड़ा काम करके अपनी पोस्ट या सैल्फी पा के ये क्लेम ना करे भी मैं ये काम करिया, पर ये वो नौजवान है, ये बाबा गुरु नानक साहब के चरणों को समर्पित है, ये सिर्फ ते सिर्फ सेवा करते हैं। एक जयकारा कबड्डी वाले के नाते बोले सोदिहा, सारे हाथ खड़े करके एक बारी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मैं मीडिया को बेनती करता कि साड़ियाँ फोटो न बढ़ाओ, ये जो हाथ खड़े हैं ये फोटो खिंच के दिल्ली वाले मीडिया को भेजो कि असी एक कैमरे पिछे कमाओ बहाँ उपर है भाई थोड़ी कमा लो कमा लो, एक मिनट इतने ही रखियो कमाला पुत्रा कमाला संग लगती है। जे पंजाबी हदा ते लड़ सकते हैं, जे पंजाबी देश की राखी कर सकते हैं, तो साडे कोल सबर भी बहुत है। बाबा गुरु नानक साहब ने सानू सिखाया है साडे च सबर भी बहुत है, तू साडा सबर ना परख, असी जित नहीं देवांगे तेरे आखिरी साह तक। साडा इको नारा है कि ये बिल तो वापस लेने पैने हैं, साडियां कणकां दे मुल 7000 रुपए क्वांटल मुकर्र करना पैना है, साडियां दालां दे मुल मिथने पैने हैं। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा। जे ऐसे तरह साडियां सिरमौर पंथक जथेबंदियां किसान जथेबंदियां कबड्डी वाले नौजवान गभरू, दूजी बेनती मैं होर करूंगा, पंजाब सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है जेडे केस दिल्ली च रजिस्टर होए हैं वो केस इत्थे लियांदे जाण ताकि असीं सुचजे ढंग नाल पैर भी कर सकीए। सो साडे नौजवान जल्दी तो जल्दी बाहर आ जाण ते अगाऊं भविख च असीं कोशिश करिए शांति नाल ही जितीए, शहीद आदम भगत सिंह के चरणों च मत्था टेक के प्रण करिए कि अपने लिए नहीं अपनी कौम ते अपने कुलबे लिए लड़ांगे। सो दो शब्द मंजी सत्संग जी गज के बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिवें बब्बू भाई ने कहा मान साहब ने कि आपां दुआ